वेलकम। आज का सब्जेक्ट हिंदी क्लास थर्ड, मात्रा की पहचान। इस समय मैं आपको मात्रा की पहचान का से लेके छोटा हूं तक तो बता चुकी थी, आज बड़ा हूं भी मात्रा की पहचान कराने जा रही हूं। तो इसमें का में बड़ा हूं की मात्रा, का की मात्रा है, बड़ा हूं की मात्रा है, खा में बड़ा हूं की मात्रा है, गा में बड़ा हूं की मात्रा है, धा में बड़ा हूं की मात्रा है और अंगा में भी बड़ा हूं की मात्रा है। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, कोई भी शब्द जब हम पढ़ते हैं जैसे छोटा उ की मात्रा है, बड़ा उ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो हम छोटी ई की मात्रा का उच्चारण धीमी आवाज से करते हैं, जैसे की। बड़ी ई की मात्रा तेजी से करते हैं। हमारे समझ में आता है कि कौन छोटी मात्रा है और कौन बड़ी मात्रा है, तो जैसे छोटी की हमने की धीरे से बोला और बड़ी की तेजी से बोला, तो की इसमें क्या हुआ, उसका उच्चारण तेजी से आता है, तेज आवाज से। तो की बड़ी की मात्रा हुआ, ई छोटी ई की मात्रा हुआ, उसी तरह ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। इसमें छोटा ऊ में हम धीरे से बोलेंगे, बड़ा ऊ में थोड़ी ऊंची आवाज में बोलेंगे। हमारे भी समझ में आएगा बच्चों कि हम छोटी ई की मात्रा बोल रहे हैं कि बड़ी ई की मात्रा बोल रहे हैं, कि छोटा ऊ बोल रहे हैं कि बड़ा ऊ बोल रहे हैं। आपको ध्यान देना बच्चों, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, कैसे पढ़ते हैं। का चांद निकला है, ये भी हमने वाक बनाया।
इसमें हमने कामे खामे गामे धामे अंगामे सब को ज्ञात तक बड़ा ऊ की मात्रा लगाया है। बच्चों ध्यान देना, छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटी की बड़ी की हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे हमको लिखना है, और आप उनको बार बार फील करते रहिए, याद करते रहिए, जिससे आपको हिंदी पढ़ना आ जाए। थैंक यू।